हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि यू नीड अ टिप्स फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी, हाउ टू गेट अ हेल्दी प्रेगनेंसी, देन आई एम हेयर टू सपोर्ट यू. माइसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे अचीव की जाए और उसे कैसे कंटिन्यू किया जाए. क्योंकि जब भी आप लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें क्या क्या परहेज रखने पड़ेंगे, क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ हम लोग ना कर दें जिससे कि आगे जाके हमारे बच्चे को नुकसान हो जाए. तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए. जब भी कपल मेंटली अपनी जिम्मेदारियों से, यानी कि करियर की जिम्मेदारियों से फ्री हो गए और अब वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए. और जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं तो उसके लिए आपको कपल का एक प्रायर इन्वेस्टिगेशन होती हैं या प्रायर ब्लड चेकअप और सोनोग्राफी होती है, जिससे कि ये असेसमेंट किया जाता है कि आप पूर्णतया हेल्दी हैं. प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं, कोई चेकअप नहीं करवाते, और जब सोनोग्राफी के लिए पहुँचते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी तो पता चलता है कि बच्चेदानी के अंदर गांठ है या कोई सिस्ट है या और कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई थायराइड की समस्या है, और वो हमें पहले से पता नहीं होती है. प्रेगनेंसी भी हो गई और अब हम बीच में फंस जाते हैं कि ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं. और ऐसी स्थिति में कई बार अबॉर्शंस भी हो जाते हैं या बच्चे में जन्मजात खराबियां भी हो जाती है या बच्चा कमज़ोर पैदा होता है. तो ऐसी स्थिति में लैंड अप ना करें, आप प्रेयर प्लानिंग के साथ प्रेगनेंसी प्लान कीजिए ताकि यू कैन एन्जॉय योर प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी कोई खाना पूर्ति नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें प्रेगनेंसी करके बच्चा पैदा करना है. देर इज़ अ होल 9 month tenure विच वी कैन एन्जॉय अ लॉट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना बॉडी चेकअप करवाइए. जो बेसिक जाँचें प्रेगनेंसी से पहले रिक्वायर्ड होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपका हीमोग्लोबिन खून का लेवल अच्छा होना चाहिए. फिर आपका थायराइड का लेवल 3 के नीचे या 2.5 के नीचे होना चाहिए, जिससे कि आगे प्रेगनेंसी में चलकर दिक्कत ना आए. जनरली 4 और 5 TSH का लेवल माना जाता है, जो कि नॉर्मल होता है. बट जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो TSH का कट ऑफ 2.5 पे आ जाता है. तो यदि इस मंथ आपका 5 पे चल रहा है TSH का वैल्यू और अगले महीने आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो एकदम से तो 2.5 पे नहीं आ सकता. इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा कि TSH का वैल्यू 2.5 के नीचे हो. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई गांठ या पॉलीप या कोई पर्दा या एडिजंस या और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो गांठ का साइज़ डबल हो जाता है, तुरंत बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, कई बार गांठ के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और ये गांठ बच्चे को आगे बढ़ने की जगह नहीं देती है, जिससे कि अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसी स्थिति में आपको कई बार अबॉर्शन हो जाता है या करवाना पड़ जाता है, और फिर उसके बाद गांठ की सर्जरी होती है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी पड़ती है. तो ऐसी स्थिति में ना जाएं, पहले ही सोनोग्राफी करा लें और पहले ही इंश्योर कर लें कि आपका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है और आगे प्रेगनेंसी कैरी ऑन करने में सक्षम है. इसी प्रकार बच्चेदानी के अंदर कई बार पर्दा होता है या बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप होता है, इसी स्थिति में भी प्रेगनेंसी या तो हो नहीं पाती है या हो जाती है तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सेप्टम को दूरबीन से आराम से हटाया जा सकता है और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और आगे प्रेगनेंसी आराम से हो जाती है. इसी प्रकार यदि ओवरी के अंदर कोई सिस्ट है तो उसे भी हटाया जाना पहले ज़रूरी है, ताकि आगे स्मूथ प्रेगनेंसी एंजॉय की जा सके. साथ ही साथ सोनोग्राफी के बाद में जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन और थायराइड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ ही आपको अपना ब्लड शुगर का लेवल भी चेक करना चाहिए. किसी किसी लेडीज़ को डायबिटीज़ की शिकायत भी होती है, और यदि आपके मम्मी पापा को या नाना नानी को या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं डायबिटीज़ है तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए और पहले से ही अपना हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट होता है, जो कि शुगर के लिए किया जाता है, जो 3 महीने की शुगर का लेवल बताता है, तो वो ज़रूर से करवा लीजिए. और एक रैंडम ब्लड शुगर होता है, यानी कि सुबह शाम कभी भी आप एक बार चलते फिरते अपना शुगर चेक करा लिया, ताकि आपको पता रहे कि आपका नॉर्मल शुगर लेवल कितना चल रहा है. इसके साथ ही लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट भी होते हैं, तो सही असेसमेंट आ जाता है क्या लीवर और किडनी प्रॉपर काम कर रहे हैं. और एक यूरिन का नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है, जिससे कि ये पता चल जाए कि यूरिन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आपके बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करना चाहिए. क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमारी हाथ रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत कम मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ होती है. तो हम सारी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे सकते, इसलिए पहले जितनी भी मेडिसिन लेनी है आप ले सकते हैं और अपने आप को फिट बना सकते हैं, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए. क्योंकि यदि आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, यानी कि दांतों में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन है, या बॉडी में कहीं फोड़े फुंसियाँ या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे को भी फैल जाता है इन्फेक्शन. और कई बार प्रीटर्म लेबर यानी कि समय से पहले डिलीवरी होने का
का रिस्क बढ़ जाता है, तो ऐसे रिस्क ना लें। पहले ही सारा अपना इन्फेक्शन वगैरह जो भी है उसे ट्रीटमेंट करवा लीजिए, फिर प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। जनरली हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, प्रेगनेंसी अनप्लान तरीके से हो जाती है और फिर बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ ही हम लोग प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फोलिक एसिड की गोली चालू करनी होती है, क्योंकि फोलिक एसिड हमारे बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बार फोलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे का ब्रेन ही नहीं बनता, या ऊपर की हड्डी नहीं बनती है, या रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइना बाइफिडा जैसे डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं कि जो बच्चा आगे सर्वाइवल के लायक नहीं होता, यानी कि वो बच्चा आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। वो ऑटोमेटिकली यदि अगर वो डिलीवर भी होता है तो भी उसको हमें छोड़ना ही पड़ता है, यानी कि वी कैन नॉट कैरी ऑन विद दिस प्रेगनेंसी, तो उसे अबॉर्ट करनी पड़ती है या डिलीवर आउट करके उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति बहुत बुरी होती है, इसलिए सिर्फ छोटी सी फोलिक एसिड की गोली खाने से आपको ये बचाव हो सकता है, तो वो आप 1 से 2 महीना पहले ज़रूर शुरू कर दीजिए। और यदि आपका ब्लड प्रेशर का कोई गोली चलता है तो उसे आप बराबर खाइए और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। आपका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो शुगर का लेवल प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड TSH का वैल्यू 2.5 के नीचे होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन कम से कम 12 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होगी हीमोग्लोबिन 2 पॉइंट तक तो नीचे आ ही जाएगा। यदि आपका हीमोग्लोबिन 8 ही है और प्रेगनेंसी होने के बाद ये 6 पे आ जाता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। इसलिए अपना मार्जिन अच्छा रखिए और 12 के ऊपर हीमोग्लोबिन रखिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप आयरन की गोली खा सकते हैं, आयरन के इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और जब आयरन की गोली खाते हैं तो साथ में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की गोली भी खानी होती है, साथ में विटामिन सी और जिंक लेना पड़ता है और प्रोटीन डाइट बढ़ानी पड़ती है ताकि ब्लड का सिंथेसिस हो सके, क्योंकि सिर्फ आयरन से हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, बाकी सारा रॉ मटेरियल भी उसके बनने में काम आता है। और इसके साथ ही आप सोनोग्राफी करा के अंदर ये इंश्योर कर लें कि पेट के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी हेल्थ इंश्योर करेंगे पहले, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, ताकि आप अपनी 9th मंथ की जर्नी को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकें। इनके अलावा भी यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।